शोभा देशमुख किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही प्रोटीन युक्त बेसन का चिल्ला बताने वाली हूँ। आप ये मेरी रेसिपी आप जरूर मेरा वीडियो आखिर तक देखिए और घर पे जरूर बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम चिल्ला बना रहे हैं, बेसन का चिल्ला बना रहे हैं। बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी रेसिपी है और झटपट होने वाली है, सिर्फ दो ही चीजों से बनने वाली है। एक बेसन लिया हाफ कप, 1 टेबलस्पून चावल का आटा फ्रेश, टोमेटो हाफ कटा हुआ, धनिया, चिली रेड ग्रीन चिली और प्याज कटा हुआ बारीक, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दही थोड़ा फ्रेश दही, हल्दी, हल्दी की मात्रा कम लीजिए क्योंकि बेसन भी पीला रहता है, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए और ये सब घोल हमको मिक्स करना है। और अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी की मात्रा आप आराम आराम से डालिए। अब सब मिक्स कर लेने का, अब ये मिक्स करती हूँ मैं आराम आराम से, ऐसा मिक्स करने का और आराम आराम से ही पानी डालने का। ज्यादा पतला भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए हमको। अब ये आधा कप पानी डाला, ऐसा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। देखो ऐसा घोल बनाने का, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको चिल्ला बनाना है, फोइंग चाहिए और इससे अच्छा सा फेंट लेने का। अब हम झटपट चिल्ला बनाएंगे, देखो 2 मिनट में चिल्ला बन जाता हमारा, ज्यादा गर्म करने का नहीं। इस पर मैं डाल रही हूँ आराम से इसको फ्राइंग करने का, वो जल्दी बनने वाली रेसिपी है, झटपट है और हेल्दी है। डायबिटीज लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, कभी भी हम ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। अब इस पर हम ढक्कन रखेंगे और गैस थोड़ा धीमा करेंगे। अब चेक कर लेंगे, 2 सेकंड में हो जाता। और इस पर थोड़ा थोड़ा हमको तेल लगाने का है, देखो कितना अच्छा बन गया हमारा चीला, ये जल्दी बन जाता। ये कच्चा नहीं है, वो सब तरफ से हो भी गया है। देखो हमारा चीला कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लगता है कब खाएंगे। चलो तो फिर और भी चिल्ले मैं बना के रखती हूँ, रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी ब्रेकफास्ट के लिए। ये मेरी रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद।